इस वक्त मैं चुनाव यात्रा में पहुंचा हूं मथुरा, और हमारी मुलाकात हुई चुनाव यात्रा के दौरान श्याम सुंदर उपाध्याय उर्फ बिट्टू भैया, जो कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, जो कि चुनाव में मेयर पद के लिए अधिकृत प्रत्याशी हैं, और आजकल खूब दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच आ रहे हैं, किस तरीके का उनका रुझान मिल रहा है, जनता किस तरीके का आशीर्वाद मिल रहा है, तो सबसे पहले उनसे मुलाकात कराते हैं और सबसे पहले आपका ही ताल्लुक कराते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं श्याम सुंदर उपाध्याय, बिट्टू प्यार से लोग मुझे पुकारते हैं। मैं नगर पालिका परिषद मथुरा का पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूँ, वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मेयर पद का चल रहा है। भक्ता जनार्दन का असीम प्यार और साथ मिल रहा है, तभी मेरे कदम बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग हर पल मेरे से मिलने को बेताब हैं, उससे ज़्यादा मेरे अंदर बेताब है कि मैं उनसे कैसे जल्दी से जल्दी मिली, उनकी सुनूँ और अपनी कहूँ। आजकल फील्ड में देख रहे हैं, आज तक बहुत पसीना आ रहे हो आजकल, और अभी भी आपकी क्या प्रेजेंट? पसीना तो नेचुरल है, गर्मी का मौसम है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। देखिए, मुझे ज़्यादा इसलिए दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि मैं जनता के बीच का ही व्यक्ति हूँ। छात्र राजनीति से लेकर आज तक जनता के बीच में रहा हूँ। 5 साल का मेरा जो कार्यकाल रहा है वो जनता के बीच में रहा है, और हर पल मेरे दरवाजे खुले रहे हैं, और हर व्यक्ति के पास मैं कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ, लोग मुझसे फ़ोन कर सकते हैं। लोग अपना बिट्टू कहते हैं, पुकारते हैं, प्यार से अपना मानते हैं, यही मेरी ताकत है। ये आपकी ताकत है, लेकिन फिर भी जनता के बीच जाते हैं तो मुद्दे तो होती हैं। मुद्दे नगर पालिका थी उसके वक्त मुद्दे थे, वो चेयरमैन रह के हमने दूर किए समस्याओं का। अब नगर निगम बना, नगर निगम में भाजपा का शासन आया, उन्होंने करों का आतंक पैदा कर दिया, लोग डरने लगे कि हम शहर में रहें अगर छोड़ के चले जाएँ या बेच के चले जाएँ। लोगों के ने त्राई त्राई कर रखी है करों ने, इतने 1,000 गुने 100-100 गुने मन मर्जी वाले टैक्स लगाए गए, थोपे गए हैं, बंदरों का आतंक, आवारा पशुओं का आतंक, मनमानी, निरंकुशता, अधिकारी किसी की सुनते नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। मेरा प्रयास यह होगा कि नगर निगम का मेयर बनने के बाद आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप जो जनता चाहती है उनको करों से मुक्ति मिले। वो जो चाहते हैं कर हों मगर लोग दे सकें, इतना बोझ डालो जो कोई सहन कर सके। बेरोजगारी का दौर है, कोरोना के बाद लोगों के आजीविका ठप हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, बिजली के बिलों की बत्तरी हो गई है, रोजगार खत्म हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में जनता को राहत देने की बजाय क्रूरता के साथ उन पर टैक्स लगाए जाएं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं चूंकि जब चुना जाऊंगा और जनता इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मेरा इंतजार कर रही है, मैं भी इस बात के लिए बेताब हूँ कि लोग मुझे मौका दें और मैं उनको राहत दे सकूँ। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, करों का जो आतंक है, करों का जो बोझ जनता पे डाला गया है, मनमाने तरीके से जो डाला गया है, उस मनमाने तरीके के कर को नियमानुसार सुविधाजनक तरीके से, ताकि जनता उसको बोझ को उठा सके, खुशी खुशी उस कर की अदायगी कर सके और शहर का विकास हो सके। बंदरों का आतंक शहर की बहुत बड़ी समस्या है, और ऑटो रिक्शा चालक हैं, गरीब हैं, डकेल वाले हैं, मजदूर वर्ग हैं। कल मैं मंगल बाजार में गया था घूमने, वहाँ सभी वर्गों के लोग आते हैं, वहाँ पर सामान खरीदें, दुकानदार परेशान थे, त्राही त्राही कर रहे थे। उन्होंने चूंकि ये बाज़ार पहले हमने ही लगवाया था, मंगल बाजार, तिब्बत बाजार जो जिसको बोलते हैं लोग, तो हमने लोगों को तब भी बहुत राहत दी थी। जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, गरीब मजदूरों की पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी जानी जाती है। हमारे शीर्ष नेता, चाहे राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों, खड़गे साहब हों, खावरी साहब हों, जनपद के नेता हों, विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, हमेशा जनता की सुनते हैं। मैं भी कार्यकर्ता रहा हूँ, जनता की सुनूंगा। एक मेरा आखिरी सवाल हो, चुनाव से पहले हर एक प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए तमाम तरीके के वादे करता है, लेकिन जब वो पदासीन हो जाता है तो जनता को भूल जाता है, इसको लेकर ये बात भाजपा के लोगों पर लागू होती है। कांग्रेस जनता और देश के लिए जीती है मरती है, संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, पूरा देश जानता है। सबको जान की बाजी लगाकर, मान सम्मान को दांव पे लगाकर जनता के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता है। इंदिरा जी की शहादत गवाह है, बेअंत सिंह जी की शहादत गवाह है, महात्मा गांधी जी की शहादत गवाह है। इस देश में अनेकों हजारों ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ नौछावर कर दिया है। आखिर में आपको दर्शक देखने लगा था, और दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने प्यार से गले लगाया था, भरोसा जताया था, वो पुनः प्यार दीजिए, भरोसा जताइए, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा।